एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विपक्षी पार्टियों की एकजुटता और दिग्विजय सिंह के बयानों को लेकर तंज कसा। मिश्रा ने कहा, जब एक घाट पर सियार, लोमड़ी और अन्य जानवर इकट्ठे हो जाते हैं तो समझ लेना चाहिए दूसरे घाट पर शेर है। प्रधानमंत्री मोदी वो शेर हैं जिनका चुनावों में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। गृह मंत्री मिश्रा ने दिग्विजय सिंह को लेकर कहा कि दिग्गी राजा कांग्रेस का सूपड़ा साफ करके ही मानेंगे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष की एक जुटता को लेकर कहा कि जब एक घाट पर सियार, लोमड़ी और अन्य जानवर इकट्ठे होकर पानी पीने लगते हैं तो समझ लेना चाहिए कि दूसरे घाट पर शेर है, जिससे ये सभी जानवर डर रहे हैं। ऐसा ही हाल विपक्ष का है। मोदी लहर होने के चलते इनको डर सता रहा है कि इनकी खुद की चुनावों में जमानत जब्त ना हो जाए, इसीलिए ये सारे विपक्षी चुनाव के समय इकट्ठे हो गए हैं, झूठे वादे कर रहे हैं और चुनाव होने के बाद ये सब वादे भूल जाएंगे। गृह मंत्री ने दिग्विजय सिंह को लेकर कहा कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के लिए जैमर का काम कर रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस को तो उधेड़ कर रख दिया है। दिग्विजय सिंह भी जानते हैं कि कांग्रेस का कुछ तो होने वाला नहीं है, इसीलिए वो घूम घूम कर उल जुलूल बयान दे रहे हैं और कांग्रेस को निपटाने का कार्य कर रहे हैं। दरअसल क्या है कि जब सियार, हिरन, लोमड़ी, अन्य इस तरह के जो भी जानवर एक घाट पर पानी पी रहे हो तो ये मान लेना चाहिए कि दूसरे घाट पर शेर है। मोदी जी की सुनामी चल रही है और ये सब जानते हैं कि उड़ जाएंगे, इसलिए एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। विज्ञान का सिद्धांत है कि जब कोई फ्यूज सर्किट होता है वो दूसरे सर्किट को भी फ्यूज कर देता है, और इसलिए ये फूके बल्बों की जो झालरें हैं ये अब रोशनी नहीं दे पाएंगी। ये देश समझता है, ये चुनाव के समय इकट्ठे हो जाते हैं, झूठे सच्चे वादे करते हैं और चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। उन्हें पूरी कांग्रेस उधेड़ के फेंक, हमारे सूटों की सिलाई पे ध्यान दे रहे हैं। दरअसल कांग्रेस में दिग्विजय सिंह की जैमर का काम कर रहे हैं, जो बचा खुचा नेटवर्क है ना, ये उसको ही ध्वस्त करके मारेंगे। पिछले 4-5 दिन से कमलनाथ जी कह रहे हैं। कमलनाथ जी को समझ जाना चाहिए कि उनके लिए ये खतरे की घंटी बजना प्रारंभ हो गई। वो देख चुके हैं कि ऐसी बातें करने से ही कांग्रेस रसातल में जाती है, इसलिए लगातार घूम घूम कर थ्रेट करने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस को निपटाने का। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस में अंतर्कलह है जिस वजह से सब पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। कांग्रेस के पास ना तो उनका संगठन बचा है और ना ही कार्यकर्ता बचे हैं जो चुनावों में घर घर जाकर वोट मांग सके, इसीलिए वो अब एजेंसियों के भरोसे चुनाव लड़ेंगे। वहीं गृह मंत्री ने कमलनाथ को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ कुछ भी कर सकते हैं, कांग्रेस का कार्यकर्ता कुछ नहीं कर सकता, मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमलनाथ कांग्रेस हो गई है। इससे एक बात तो सिद्ध हो गई कि अब कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ने वाली, कंपनियां चुनाव लड़ेंगी, इनके पास कार्यकर्ता बचा नहीं है, अब कंपनियों से काम चलेगा, ये अब एजेंसियों से कांग्रेस काम चलाने वाली है, रणनीतिकार भी एजेंसी वाले आने वाले हैं, ये स्पष्ट गोचर हो गया है। क्या है कि कांग्रेस का पत्र मैंने भी देखा है, वो सोशल मीडिया पर, और वो पत्र ये बताता है कि सारे नियम कायदे कार्यकर्ताओं के लिए है, कमलनाथ जी के लिए नहीं है। वो प्रभावी लिखे हैं, भावी लिखे हैं, अविश्वम भावी लिखे हैं, कार्यकर्ता नहीं लिख सकता है। पहले कांग्रेस की स्पेलिंग जो सी से शुरू होती थी ना, अब मध्य प्रदेश में वो कांग्रेस की स्पेलिंग के से शुरू होगी, कमलनाथ कांग्रेस जैसी हो गई है, आम कार्यकर्ता कुछ नहीं कर सकता है। दिग्विजय सिंह की वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़, आपके हक में।